बच्चों आज हम जैव प्रक्रम आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में बताएंगे। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों में होने वाली आवश्यक एवं अनिवार्य क्रियाएं जो अनुच्छरण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में आने वाली क्रियाएं जैसे आपके डाइजेशन यानी पाचन, रिस्पायरेशन यानी श्वसन, सर्कुलेशन, परिसंचरण इत्यादि यानी इत्यादि, इसके अंतर्गत आपका जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम आपको पढ़ेंगे पोषण, इसी में आपका है पोषण यानी न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण क्या है? पोषण जीवों द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ खाए जाते हैं या पोषक तत्व के रूप में लिए जाते हैं उन्हें हम पोषण कहते हैं। पोषण पोषण के प्रकार, पोषण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोज पदार्थ स्वयं निर्मित करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी में हरे पौधे, यानी ग्रीन प्लांट्स और हेटरोट्रॉफ, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं, और इस प्रकार के पोषण को हम परपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी निम्न प्रकार से होते हैं, शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस यानी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों की साग पत्तियां इत्यादि खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी के नाम से जानते हैं, और मांसाहारी ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों का भक्षण करके प्राप्त करते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। ओमनीवोरस ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। इस तरह आपका शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी या फिर परपोषी के प्रकार हैं। परपोषी में आपने देखा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, और इसी के अंदर एक होता है मृतोपजीवी, यानी सेप्रोफाइट या सेप्रोफिटिक, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे आपका फंजाई यानी कवक, आपके मृतोपजीवी। इस तरह हम आपको जैव प्रक्रम और पोषण के प्रकार बताया। इसके लिए देखिए और समझिए जो वो समस्या बताई।